हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कानपुर में हैं और आज प्रिया मुझको लेकर जा रही है कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, है ना? हाँ। और आपको कैसा लग रहा है ड्राइव करते हुए कानपुर में? मिक्स्ड फीलिंग्स। मुंबई जैसा डिसिप्लिन्ड नहीं है लेकिन ठीक है। मैंने भी छोटे शहरों में खूब गाड़ी चलाई है। क्यों हॉर्न मार रहा है? तो अभी अभी हम लोग फ्रेशली एक रोड रेज से बचे हैं, बच गए। बहुत गंदा झगड़ा आ जाता। क्यों बेबी, क्या हो जाता आपको कभी कभी? अरे तो वो इतना हॉर्न कौन मारता है? पागलों की तरह हॉर्न मारे जा रहे हैं। ऊपर से वो पता नहीं अजीब अजीब से वो तीन चार लौंडे बैठ के ऊपर से घूर भी रहे हैं। वैसे गौरव इस चीज के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। जब भी मैं उनके साथ में होती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आग उठा के देखे, है ना? मैं तो शादी के बॉडीगार्ड बनने के लिए नहीं, ये पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। वही तो कह रहा हूँ, हर पति बॉडीगार्ड ही होता अपनी बीवी का पागल। डोंट वरी बेबी, जब वक्त आएगा तब मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। सब बंद है और तो मुझे ऐसे भटका रही हो जैसे मेरा शहर ना हो के तुम, मतलब तुम्हारा शहर ना हो के मेरा शहर हो। किधर है रास्ता, पता है तुम्हें खुद को? हाँ बीबी, मुझे मालूम है। मुझे याद है, मैं स्कूटी से बहुत आती थी यहाँ पर मम्मी को लेके। मम्मी और मैं हमेशा शॉपिंग करने आते थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ? बीबी अब क्या करें यार, दुकान बंद है। पैसे बच गए मेरे अब क्या किया जाए? एक शॉप नहीं खुली यहाँ से कहाँ? राइट, ये तो बहुत गलत बात है भाई। आज कुछ है क्या जी? इतनी शॉप्स बंद है। मम्मी तो कह रही थी कानपुर में अभी सब कुछ खुल गया है। कुछ नहीं खुला, सब बंद है। आजकल देखो बोर्ड्स में भी जो मॉडल्स आने लगे हैं मास्क पहन के मॉडलिंग कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है? मॉडलिंग भी आजकल मास्क पहन के होगी? हाँ तो अच्छा मैसेज है ना। और दो दो ब्रांड्स एक साथ वो प्रमोट हो जाते हैं, एक जिसकी प्रमोशन सच में कर रहे हैं और एक मास्क ऑलराउंडर हो गया। ये बड़े बहुत फेमस पराग दूध डेयरी है। बहुत बड़ी। तो मैं आज थोड़ी सी शॉपिंग करने निकला हूँ प्रियंका के साथ, और हम दोनों में से किसी को बार्गेनिंग नहीं आती है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी बार्गेनिंग करने की यहाँ पर। और मेरठ में भी ऐसे ही मार्केट्स हैं, तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है मुझे ये। लेट्स सी क्या मिलता है इधर और क्या हम ले पाते हैं सही दामों में। रिया ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग कुछ ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो अपनी बात रखने के लिए वो मुझे एक जूतों की दुकान पे ले गई। इस दुकान के बाहर मैंने मॉडर्न श्रवण कुमार को देखा। जी हाँ, ये बच्चा अपनी माँ को इसी तरह रिक्शे में लेकर घूमता है। इस मार्केट की सबसे डरावनी बात दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। कुछ इस तरह से अचानक से लोग प्रकट होते हैं और फिर आपको दुकान में आने के लिए बोलते हैं। मतलब आई अंडरस्टैंड, उनका भी कुछ स्ट्रेटेजी होगा। कितना घुमाओ भाई, ये नाम क्या है इसका मार्केट का? आई थिंक विद्यार्थी मार्केट कहते हैं। अच्छा, और ये एरिया क्या है? तो गोविंद नगर का विद्यार्थी मार्केट है ये। और लौट के बुद्धू घर को आए और कुछ नहीं मिला, तो हम वापस इसी चप्पलों की दुकान में आकर रुक गए। और कुछ लेने की जिद थी तो प्रिया ने शायद स्लीपर्स लिए घर के लिए। खैर घर पहुंचे। शिवांशी इतनी एक्साइटेड क्यों है? क्यों है इतनी एक्साइटेड? क्या देख रही है आसमान में? अच्छा, यहाँ इसकी मम्मा बैठी है। वाह क्या जगह ढूंढी तुमने बैठने की। वाह क्या अधूरी कविता कही तुमने
अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, वाह वाह वाह। कपड़े पहने, ये तो मार लेती है। हेड बैंगिंग कर रही है, हेड बैंगिंग। अरे बाबा बोली, बाबा शाबाश करो। ए चीन नहीं खाना पागल पगलू। ची 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 गंदू। लग जाएगी बेटू। बेबी ऐसा लग रहा है किसी हॉरर फिल्म में, जैसे आ जाती है ना अचानक से भूत, नहीं छत पे आके बैठ जाती है, पीछे काले बादल और तेज हवा चल रही है। हाँ क्या दिखा रहे हो बेबी? सन दिखा रहा हूँ, सन और काइट। शिवांशी, शिवांशी पतंगबाजी करेंगे, पतंगबाजी, पतंगबाजी। एक अलग सी खुशी मिलती है मुझे अपनी बच्ची के साथ खेलने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे भी फुर्सत है अभी जब तक कानपुर में हूं। और ये है कानपुर की खूबसूरत सी शाम। वेल, अगले वीडियो में भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगा मैं मेरे कानपुर के स्टे से और हमारे कुछ फैमिली मोमेंट्स। प्लीज बने रहिए, देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग विद अस। अपना ख्याल रखिए।